हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने आपको सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर बता दिए थे। देन सेंसेक्स की जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी। बट मॉर्निंग में हमारा ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई थी, डाउन साइड हमारी कैंडल भी होल्ड थी, बट यहाँ से आज हम मॉर्निंग में थोड़ा ट्रैप यहाँ पर हुए थे। बट उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन को कॉल साइड यहाँ पर बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पर शूटिंग स्टार थी, और हमने आपको बता दिया था कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पर हमारा ये पैटर्न एक्टिव रहेगा, और जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर आपको अप ट्रेंड में ही नज़र आएगी। में भी मैंने आपको बता दिया था कि 25,300 का इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ देन आपको यहाँ पर अपसाइड मूव नज़र आएगा। और जब हमारा ये फर्स्ट फ्यू जो हमारी 15 मिनट की कैंडल थी, जब सभी एक्सिस ने उसके हाई को ब्रेक किया, देन यहाँ से मार्केट में हमें एक अपसाइडेड मूव यहाँ पर देखने को मिला था। ट्रेंड तो हमारा यहाँ पर डाउन साइड ही था, बट जो वीकली की हमारी यहाँ पर जितनी भी हमारी सेलिंग साइड पोजीशंस बनी हुई थी उनकी यहाँ पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट जो 15 मिनट की हमारी कैंडल थी वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर डाउन साइड आई थी, उसने आज के लो को भी यहाँ से सभी इंडेक्सेज ने यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर कर दिया था। देन फिर निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया था कि 25,925 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस से ये ब्रेक हुआ देन आपको यहाँ पर अपसाइड मूव यहाँ पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर बता दिया था। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब इन सबका हाई ब्रेक हुआ था देन यहाँ से मार्केट हमारी अपसाइड गई थी। देन हमने उसके बाद आपको निफ्टी में सपोर्ट एंड लाइन यहाँ पर बता दी थी कि ये हमारी यहाँ पर रीटेस्ट भी हो सकती है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि 25,000 हमने बताया था, अगर ये ब्रेक हुआ देन आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। देन उसके बाद हमने सेंसेक्स की आपको एक यहाँ पर कॉल पोजीशन दी थी 560 पर, और आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर 700 का डायरेक्ट हाई लगाया था, और उसके बाद भी ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमारी अपसाइड गई थी, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। देन कुछ स्टॉक्स भी हमने आपको यहाँ पर रिकमेंड किए थे, और जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर मूव कर रही थी उसी के बेसिस पर हमने आपको यहाँ पर ट्रेड भी दी थी। देन आप देख सकते हैं कि आज का हाई भी हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया था, और उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन साइड थी। यानी जो कुछ भी मार्केट आर्ट्स के दौरान बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट यहाँ पर कर देते हैं। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि हम मिड कैप में कैसे ट्रेड करके चलेंगे, क्योंकि मिड कैप की हमारी वीकली एक्सपायरी है। सबसे पहले आज हम यहाँ पर मिड कैप के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर हमारा एक यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड पर जाकर यानी रेजिस्टेंस पर ये हमारा बना था, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पैटर्न हमारा एक्टिव हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पर, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो अब आपके लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारा रहेगा 12,000 यहाँ पर 100 का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 13,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, और ये 13,000 से लेकर 12,800 तक ये आपके लिए एक डिमांड जोन यहाँ पर रहेगी, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ये सपोर्ट जोन रहेगा। और जो आप देख सकते हैं कि हमारा ये लेवल यहाँ से ब्रेक हो चुका है 13,000, और उसके बाद आप देखें तो 12,800 का भी हमारा यहाँ से लेवल ये ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पर मार्केट अभी इसके डाउन साइड होल्ड यहाँ पर नहीं हुई है। अगर मंडे को मार्केट आपको यहाँ से कुछ गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है और 12,800 के डाउन साइड होल्ड हो जाती है, देन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा वो 12,550 आपके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद हमारे लिए जो निकल कर आएगा वो 12,000 यहाँ पर 300, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आएंगे। अपसाइड के लिए तो आप अब कब जाएंगे, जब यहाँ पर 13,000 के अपसाइड हमारी यहाँ पर मिड कैप होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, देन आप यहाँ से अपसाइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ अब आपको यहाँ से सेल साइड की पोजिशन को बनानी है, अगर ये 12,800 के डाउन साइड हमारी मिड कैप होल्ड हो जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट अब हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया है जो 13,000 का इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि कितने दिनों की ये हमारी यहाँ पर कैंडल्स हैं, जब मार्केट अगेन एंड अगेन मिड कैप इसी 13,000 का यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, कितने दिनों की आप कैंडल्स खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हो चुका है, और 12,000 जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो भी हमारा यहाँ से ब्रेक हो चुका है, बट आपको देख सकते हैं कि ये इसके डाउन साइड यहाँ पर होल्ड नहीं हुआ है। अगर ये होल्ड हो जाता है तो 12,600 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, देन
12,000 यहाँ पर 400 रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर 12,300 देन 12,200, ये हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। और जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा रहेगा 12,000 का इस वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर। अगर ये भी हमारा ब्रेक हो जाता है तो देन यहाँ से आपको फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिड कैप में सेलिंग नज़र आएगी, क्योंकि इसके मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको दिखाया था, ये काफ़ी टाइम से आपको देख सकते हैं कि सिर्फ ये यहाँ पर अप ट्रेंड में ही ट्रेड यहाँ पर कर रही है, और जब तक इसका ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर मार्केट में इसका ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और इसका जो हमारा यहाँ पर स्विंग है वो है हमारा यहाँ पर 12,000 का। अगर ये 12,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये स्विंग हमारा ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पर मिड कैप आपको डाउन ट्रेंड में यहाँ पर फिर आपको नज़र आएगी, और दैन नेक्स्ट स्विंग हमारा फिर इसका 11,000 है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग है वो हमारा यहाँ पर 10,000 है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक की मार्केट यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड करती है, यानी जो सपोर्ट हमने आपको बताया है वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होगी या फिर यहाँ पर हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, या फिर कोई बुलिश पैटर्न हमारा वन डे टाइम फ्रेम पर बनाएगी, देन यहाँ से फिर अब मिड कैप हमारे अपसाइड जाएगी। चलिए फिर अपने इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या रहेंगे। हमारे लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 12,000 यहाँ पर 836 का रहेगा, देन 12,886 का रहेगा, देन 12,952 का रहेगा, देन 13,000 यहाँ पर 50 का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे रजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर अपने सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 12,780, देन 12,734, देन 12,691, देन 12,648, देन 12,000 यहाँ पर 600 का, और उसके बाद 12,537। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर सपोर्ट रहेंगे। और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 13,000 के लेवल के पास हमारी यहाँ पर मार्केट कितनी ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट हुई है, इतनी ज़्यादा इसने यहाँ पर मॉर्निंग में सेलिंग देने के बाद हमारी मिड कैप ने उसके बाद इसने इतना यहाँ पर एक फास्ट मूव हमारा यहाँ पर दिया था 12,800 के लेवल का, यहाँ से लो लगाने के बाद इसने एक फास्ट मूव यहाँ से अपसाइड दिया, उसके बाद ये 13,000 के लेवल के पास कंसोलिडेट हुई। अगर वो इस कंसोलिडेशन का ब्रेक अपसाइड कर देती तो देन मिड कैप में आपको यहाँ पर अपसाइडेड ही मूव नज़र आना था, बट इसने इस कंसोलिडेशन का ब्रेक यहाँ से डाउनसाइड दिया है, तो निफ्टी का जो तो मिड कैप का जो अब यहाँ पर ट्रेंड है वो हमारा यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है और इस 800 के लेवल को ब्रेक कर देती है देन आपको यहाँ से फिर सेल साइड की अपनी पोजीशन को बनाना है, क्योंकि जो इसने क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ पर डे लो के पास ही इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन दी है, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हमें अगर डाउन साइड मिलता है तो आप यहाँ पर अपनी सेल साइड की पोजीशन को बनाकर चलेंगे, और फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिड कैप में सेलिंग नज़र आ सकती है। वैसे तो सबको साथ के साथ हम आपको अपडेट कर ही देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।